हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 22 जो कि परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस का फुल लेंथ का पहला टेस्ट है कि साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तेजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्त्रावित होता है? तो जब हमें कम समय में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है जिसको एड्रीनलिन कहा जाता है, और जब एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो ब्लड में आता है तो वो क्या करता है कि हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और साथ ही ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए ऐसा होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ने से क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन तेज़ी के साथ होने लगता है, यानी ग्लूकोज जो है सिंपल कंपाउंड्स में टूट करके और एनर्जी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है कम टाइम में। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा एड्रेनालिन सी। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की थी, ये सही है। गोल्जी पिंडों की खोज वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्जी ने की थी, ये भी सही है। राइबोसोम की खोज पलाडे ने की थी, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें से सही है और हमें चूज करना है सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? वे जीवाणु जो अत्यधिक नमकीन क्षेत्रों जैसे कठोर आवासों में विशेषज्ञ होते हैं हेलोफाइल कहलाते हैं, ये सही है। बैक्टीरिया जो गर्म झरनों जैसे कठोर आवासों में विशेषज्ञ होते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफाइल कहा जाता है, ये सही है। मिथेनोजेन गाय जैसे जानवरों की आंत में मौजूद होते हैं और इन जानवरों के गोबर से मिथेन बायोगैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये भी सही है। इनमें ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है और हमें चूज करना है सही नहीं वाला, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। बच्चों को किसके रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन DPT दी जाती है? तो DPT तीन बीमारियों के लिए दी जाती है, डी से हो गया डिप्थेरिया और पी से हो गया पर्टूसिस यानी हुपिंग कफ यानी काली खांसी, और टी से हो गया टेटनस। तो डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस इन तीनों के लिए दी जाती है, तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की जड़ों की वृद्धि प्रक्रिया को कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की जड़ों की वृद्धि प्रतिक्रिया को कहा जाता है, तो इसको जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, कोई एक पौधा है तो उसकी जड़ें जो है नीचे की ओर आती है ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग, उनकी वृद्धि होती है, और स्टेम्स तनों की जो वृद्धि होती है पत्तियां ऊपर की तरफ जाते हैं, पत्तियां जो ऊपर की ओर जाती है तना ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हो जाता है और जड़ें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग जाती है, इसको जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट के तरफ, और हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, वाटर के टुवर्ड्स, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फंगल संक्रमण के कारण होती है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है और शरीर के अन्य अंगों में फैल सकती है? तो इसमें से एथलीट फुट जो है ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है लेकिन ये पैरों में होता है, तो ये तो नहीं होगा। कैंडिडियासिस जो है ये भी एक फंगल इन्फेक्शन ही है, और जब ये इन्फेक्शन होता है कहाँ पे, मुँहों में होता है, जननांगों में होता है, और रक्त प्रवाह यानी माउथ जेनाइटल्स एंड ब्लड स्ट्रीम में ये इन्फेक्शन होता है, और इसके अलावा एस्परजिलोसिस भी एक फंगल इन्फेक्शन है। तो ये तो लंग्स में नहीं होता, फेफड़ों में नहीं होता है कैंडिडियासिस, हाँ एस्परगिलोसिस जो है ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, और ये श्वसन प्रणाली में होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये प्रभावित करता है, ये जो फंगस है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोसिस ये जो है ये लंग्स को प्रभावित करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लंग्स के इन्फेक्शन के बाद में बॉडी के अदर पार्ट में भी जाता है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है और शरीर के अन्य भागों में फैल सकती है, तो ये हो जाएगा हिस्टोप्लाज्मोसिस। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी होगा। हालांकि एस्परगिलोसिस भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है हिस्टोप्लाज्मोसिस। वृद्धि हार्मोन के स्त्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है जो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। थायराइड ग्रंथि जो इससे जो हार्मोन निकलता है वो हमारे बॉडी में, यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो ब्लड से निकाल करके बोन्स में भेज देता है, और पैराथायराइड जो है यदि हड्डियों में ज़्यादा कैल्शियम है तो हड्डियों से कैल्शियम को ब्लड में भेज देता है, और एड्रीनल ग्रंथि से जो हार्मोन स्त्रावित होता है एड्रीनलिन, ये यूज होता है कम टाइम में, हमें ज़्यादा एनर्जी की जब ज़रूरत है तो इसका यूज होता है, ये स्त्रावित होता है। सही ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम जनसंख्या आकार का वर्णन करता है जिसे एक पर्यावरण अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है, तो वह है वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन ये रक्त का काम है, शरीर के तापमान का नियमन भी रक्त का काम है, रोगजनकों से सुरक्षा एंटीबॉडी जो है WBC जो होता है वो एंटीबॉडी बनाता है तो वो भी रक्त का ही पार्ट है, तो रोगजनकों से सुरक्षा प्रदान करना ये भी रक्त का ही कार्य है, हार्मोन का उत्पादन रक्त का काम नहीं है, जो ग्लैंड्स होते हैं इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन स्त्रावित करते हैं ब्लड में छोड़ देते हैं उसको, तो हार्मोन जो है ब्लड में आता है लेकिन ब्लड जो है हार्मोन का उत्पादन नहीं करता है, वो ब्लड जो है हार्मोन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाता है, तो डी सही होगा, ये ब्लड का काम नहीं है। निम्नलिखित में से किस बीमारी को आमतौर पर व्हाइट प्लेग कहा जाता है, तो व्हाइट प्लेग कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी को, यक्षमा। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। टीबी होता कैसे है, टीबी जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है ये। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को कहा जाता है, तो कोशिका या उत्तक की मृत्यु कैसे होती है, मान लीजिए कि चोट लग गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर रेडिएशन की वजह से, इंजरी की वजह से, किसी केमिकल्स की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन जो है नहीं पहुँच पा रहा है, ऑक्सीजन जब नहीं पहुँच पाएगा तो मतलब ऑक्सीजन को कैरी करके नहीं ले जा पाएगा, वहाँ जो सेल है वहाँ पे उसके माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन नहीं होगा, वहाँ पे एनर्जी जनरेट नहीं होगी, इस कारण से धीरे धीरे वो सेल डेड होने लगेगा और जो सेल का जो ग्रुप है सिमिलर फंक्शन करने वाले जो टिश्यू है वो भी मरने लगेंगे, तो इसको कहा जाता है नेक्रोसिस कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निर्वात में प्रकाश के वेग और किसी निर्दिष्ट माध्यम में उसके वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, बिल्कुल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी CV ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पानी का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू वाटर जो होता है ये 1.33 होता है, और ग्लास का म्यू ग्लास जो है इसका वैल्यू होता है 1.5, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो पानी का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो एक और दो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। इस फॉर्मूला से एक बात और क्लियर है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहाँ से यदि हम वी का वैल्यू निकालें तो C/μ हो जाएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट का वेलोसिटी कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा जिस मीडियम का उसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम तो लाइट का स्पीड ज़्यादा। उत्तल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस यानी ये,
कुछ इस तरीका से, ये है कन्वेक्स लेंस कहिए या फिर बाई कन्वेक्स लेंस कहिए। मान लीजिए इसका ये फोकस है F1 और ये हो गया F2 फोकस है, और इधर हो गया इसका 2F1 और इधर हो गया इसका 2F2। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि यह सदैव एक आभासी छवि बनाता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। नहीं, जब इन्फिनिटी और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज जो है रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। जैसे इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। जब इन्फिनिटी और 2F के बीच में रखते हैं तो भी रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और कहाँ पे F और 2F के बीच में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब 2F पे रखते हैं तो इमेज जो है ये 2F पे ही बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और इक्वल साइज का बनता है। जब 2F और F के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है 2F के बाहर बनने लगता है और रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और हाईली इनलार्ज बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। और जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज इधर लेफ्ट साइड में यदि रखे हैं तो लेफ्ट साइड में ही बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो इस तरीका से ये कह रहा है कि यह सदैव एक आभासी छवि बनाता है, तो इसमें वर्चुअल और रियल दोनों ही तरीका का इमेज बनता है, तो हमेशा वर्चुअल ही नहीं बनता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। यह सदैव एक वास्तविक छवि बनाता है, नहीं सदैव नहीं बनाता है, हमेशा नहीं बनाता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस और इन्फिनिटी के बीच में रहता है तब जाकर के इमेज उसका रियल बनता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो वर्चुअल इमेज बनना शुरू हो जाता है, बनने लगता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। जब वस्तु अपने फोकस बिंदु से परे स्थित होती है तो यह एक आभासी छवि बनाता है, जब फोकस से बाहर यानी फोकस और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज रियल बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो ये सी स्टेटमेंट भी गलत है। जब वस्तु अपने फोकस बिंदु और लेंस के बीच होती है तो यह एक वास्तविक छवि बनाता है, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। तो डी स्टेटमेंट भी गलत है। तो ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन रेफ्रिजरेटर के कार्य सिद्धांत की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऊष्मा स्वाभाविक रूप से ठंडी से गर्म वस्तुओं की ओर प्रभावित होती है, ठंडी से गर्म वस्तुओं की ओर प्रभावित होती है, ऐसा नहीं कह सकते। रेफ्रिजरेटर ठंडी हवा बनाता है और उसे खाने के डिब्बे में भेज देता है, बिल्कुल नहीं। रेफ्रिजरेटर भोजन डिब्बे से ऊष्मा को अवशोषित करता है और इसे आसपास के वातावरण में छोड़ता है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्कमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करता है? आर्कमिडीज प्रिंसिपल पे कौन सा इसमें से उपकरण बेस्ड है? तो इसमें से हाइड्रोमीटर का यूज करते हुए किसी भी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर किया जा सकता है, रिलेटिव डेंसिटी को। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वो उसको कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। और आर्कमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में, किसी फ्लूड में पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज रहता है तो लिक्विड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जाता है जिसको फोर्स ऑफ बॉयंसी कहा जाता है, और उस फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैल्यू यानी उस बॉयंट फोर्स का वैल्यू उस ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। यानी कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम जैसे पानी में डुबोते हैं तो पानी को डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का उतना वॉल्यूम पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो उतने वॉल्यूम पानी का जितना वेट होगा उतना ही होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैल्यू यानी बॉयंट फोर्स का वैल्यू।
और फोर्स ऑफ बायंसी का जो वैल्यू आता है बी इज इक्वल टू आता है वी रो जी, रो यहाँ पे डेंसिटी है, वी वॉल्यूम है, रो डेंसिटी है, जी 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो दो बल्ब हैं, मान लीजिए एक डिम जल रहा है और एक चमक रहा है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, ये पावर का फॉर्मूला है। तो कोई बल्ब जो है तेज जल रहा है, इसका मतलब उसका पावर ज़्यादा है। तो ब्राइटर यदि है, ब्राइटर बल्ब है, बीबी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ब्राइटर बल्ब है, तो उसके लिए पावर का वैल्यू क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। पावर का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है उसका कम होगा। तो जो तेज जल रहा है उसका रेसिस्टेंस कम होगा, जो डीम जलेगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ से निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, भी तो सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रख रहे हैं हम यहाँ पे। तो पी का वैल्यू यदि कम है यानी डीम जल रहा है तो आर का वैल्यू ज़्यादा होगा, और पी का वैल्यू यदि ज़्यादा है यानी ज़्यादा तेज जल रहा है बल्ब तो आर का वैल्यू कम होगा। तो चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, नहीं ये तो करता है, प्रतिरोध पर निर्भर करता है। दोनों बल्बों का प्रतिरोध समान है, गलत है, प्रतिरोध समान नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, सेकंड भी गलत है। चमकीले बल्ब का प्रतिरोध बड़ा होता है, चमकीले बल्ब का प्रतिरोध जो वो कम होता है, डीमर बल्ब का प्रतिरोध बड़ा होता है, यानी जो डीम जलता है, जो धीमा जल रहा है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, या यूँ कहें कि रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर की। तो डी ऑप्शन सही है, डीमर बल्ब का प्रतिरोध बड़ा होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। यदि अल्फा बीटा और गामा किरणों का संवेग समान हो तो किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होगी? तो अल्फा बीटा और गामा ये तीनों कणों का जो है वो संवेग समान है। तो हम जानते हैं कि पी इज इक्वल टू होता है, या यूं कहें कि लेमडा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, एच बाई पी। अब तीनों का चूंकि लेमडा, तो तीनों का चूंकि पी जो है मोमेंटम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच बाई एम भी। एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.63 × 10⁻³⁴ उसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, ये होता है। तो एच तो कांस्टेंट हो गया यहाँ से। तो अब यदि P भी सेम हो गया, तीनों का P भी सेम हो गया, तो H कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट हो गया, तो H बाई P कांस्टेंट हो गया, यानी लेमडा का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, बीटा पार्टिकल हो, या गामा रेडिएशन हो यहाँ पे। तो तीनों ही के लिए लेमडा का वैल्यू सेम होगा। तो यदि अल्फा बीटा और गामा किरणों का संवेग समान हो तो किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होगी? तो इसमें से सभी का तरंग दैर्ध्य समान होगा, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। जब कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है? तो मान लीजिए कि ये अर्थ है और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट जो है परिक्रमा कर रहा है, ये अर्थ है और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट परिक्रमा कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? उस सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी सेंटर की ओर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है और उससे जो एक्सेलरेशन है उसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है, यानी हमेशा सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन है इसमें। तो यहाँ पे है, ए बिंदु पे है तो एक्सेलरेशन इधर की ओर है, और बी पे मान लीजिए चला गया तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो गया, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, त्वरण जो है ये कांस्टेंट नहीं रह सकता है, तो सी तो नहीं होगा। अब वेग, स्पीड की बात करें तो स्पीड कांस्टेंट रह सकता है, कांस्टेंट स्पीड से मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है तो स्पीड तो कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन हर एक पॉइंट पे उस स्पीड का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। स्पीड का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट तो नहीं रहा है, यानी वेग भी कांस्टेंट नहीं है, त्वरण भी नहीं है। अब
गतिज ऊर्जा की यदि हम बात करें तो गतिज ऊर्जा, जैसे मान लीजिए इसका आर, यदि एच हाइट पे मान लीजिए सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंटर से उस सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा अर्थ के सेंटर से, आर प्लस एच डिस्टेंस हो जाएगा। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ यदि हम लगा दें तो जी मास ऑफ द अर्थ एस और मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एम वी स्क्वायर बाई यहाँ पे आर प्लस एच, यदि आप कर दें आर प्लस एच, तो एक आर प्लस एच से एक आर प्लस एच चला जाएगा, मास ऑफ द सैटेलाइट से मास ऑफ द सैटेलाइट चला जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम बाई आर प्लस एच। तो वी का वैल्यू हम यदि हम निकालें तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो यहाँ से देखिए स्पीड तो उसका कांस्टेंट रह सकता है, तो जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम और वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा जी एम बाई आर प्लस एच, आर प्लस एच, यानी जी एम एम बाई टू इंटू आर प्लस एच हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट ही रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी उस सैटेलाइट की, और जब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी तो वो नेगेटिव आएगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा नेगेटिव, उसी तरीका से टोटल एनर्जी भी यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा। ये इंडिकेट करेगा टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है कि सिस्टम बाउंडेड है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे लग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। और कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है। कैसे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है, इस पर मान लीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, तो इस रेडियस का डायरेक्शन भी सेंटर की ओर ही होगा या सेंटर से अवे होगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है और इस रेडियस का डायरेक्शन यदि सेंटर से अवे मान लेते हैं तो 180 डिग्री का एंगल होगा, सेंटर की ओर मान लेते हैं तो 0 डिग्री का एंगल होगा, चाहे 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। आर क्रॉस एफ का वैल्यू आर एफ साइन 90 हो जाएगा, यहाँ से आर एफ साइन 90 नहीं, साइन 0 या साइन 180, साइन 0 या साइन 180। तो साइन 0 भी रहेगा तो भी उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 180 रहेगा तो भी उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे 0 है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। तो जब कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम जो एल होता है आर क्रॉस पी, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। आर क्रॉस पी यानी आर क्रॉस एम भी, तो उसको करेंगे तो एम वी आर आ जाएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है एम वी आर, ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें कांस्टेंट हो रही है लेकिन कोई सूटेबल ऑप्शन सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो इस कारण से मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी कांस्टेंट रहेगी और कोणीय संवेग भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट की कार्य प्रणाली निम्न पर आधारित है। तो ये पास्कल लॉ पे बेस्ड है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। बर्नौली इक्वेशन क्या है, बर्नौली इक्वेशन कहता है कि P1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, यानी P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये कांस्टेंट होता है। ये है बर्नौली का इक्वेशन। इसका मतलब ये रहा, ये हुआ कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे स्पीड कम होगा, जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा। यह है बर्नौली का सिद्धांत। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल अभी मैं बताया हूँ, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दूसरे क्वेश्चन में, पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में। बॉयल का नियम क्या कहता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जैसे देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन आर टी, तो यहाँ पे एन तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, यदि टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू हम कह सकते हैं। तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू
V2 या कह दीजिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी बॉयल्स लॉ है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 ये भी बॉयल्स लॉ है, या फिर ऐसे कह दीजिए P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V यानी P प्रोपोर्शनल टू 1/V ये भी बॉयल्स लॉ है यहाँ पे। यानी प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे कि एक पिस्टन, एक कंटेनर है, इस पर पिस्टन लगाया गया है और इसमें गैस भरी हुई है, जब पिस्टन को हम दबा रहे हैं यानी प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम इसका कम होगा, पिस्टन नीचे आएगा तो गैसेस का वॉल्यूम कम होगा, और पिस्टन को जब ऊपर उठाएंगे यानी प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब पास्कल के लॉ पे जो बेस्ड है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट को दिखाया गया है, लेफ्ट जो आर्म है इसका, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और राइट जो आर्म है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिया गया है कि इसका A2 का जो वैल्यू है A1 का 10 गुना है, 10 टाइम्स है, A1 का 10 गुना है यहाँ पे 10 गुना। तो पास्कल लॉ कहता है कि किसी भी फ्लूड में, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड में, किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड में किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर हम चेंज करते हैं तो वो चेंज यूनिफॉर्मली सभी जगह ट्रांसमिट हो जाता है, यानी उस फ्लूड के हर एक पॉइंट पर प्रेशर उसी अमाउंट में चेंज हो जाता है। जैसे लेफ्ट आर्म में यहाँ पे प्रेशर जो है थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं तो राइट आर्म का भी प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, उसी अमाउंट में बढ़ जाता है। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, यूज कैसे होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया गया, इस पिस्टन को नीचे की ओर दबाया गया F1 फोर्स से यहाँ पे दबाया गया, तो प्रेशर यहाँ का कितना हो गया, P1 इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है F1 बाई A1 वहीं लिखा गया, P1 इज इक्वल टू F1 बाई A1 यहाँ से हो गया। तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 इंटू A1 यहाँ लिखा हुआ है, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A1 यानी यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है F1 उसका वैल्यू है P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सेम लेवल पे प्रेशर जो है वो सेम रहता है, सेम लेवल पे यहाँ का मान लीजिए प्रेशर P2, राइट आर्म का प्रेशर P2 लिया गया है और लेफ्ट आर्म का प्रेशर P1 लिया गया है, तो सेम लेवल पे प्रेशर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, उस लिक्विड के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, किस शेप का है कंटेनर, किस शेप का है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, सेम लेवल पे प्रेशर जो है वो सेम रहता है। इस कारण से यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 लिखा गया है। अब यहाँ पे जो फोर्स F1 अप्लाई किया गया, चूँकि वो F2 यहाँ पर भी वो ट्रांसमिट हो गया होगा प्रेशर चेंज, तो यहाँ पे जो प्रेशर P2 हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स F2 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। तो P2 इज इक्वल टू F2 बाई A2 यहाँ पे लिखा गया है, तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 इंटू A2। तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 इंटू A2। अब देखिए P2 का वैल्यू P1 के इक्वल है, अब P1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, F1 A1 लिख सकते हैं, F1 इंटू A1 लिख सकते हैं, और एक A2 है, और A2 का वैल्यू कितना है, 10 A1 है, A2 का वैल्यू 10 A1 है, तो A2 की जगह पर 10 A1 लिखेंगे तो F1 A1 10 पहले आ जाएगा, यानी फोर्स जो है वहाँ पे जा करके 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, यानी फोर्स बढ़ गया वहाँ पे जा करके। तो यहाँ पे फोर्स जो है बढ़ गया, और वहीं फोर्स यहाँ पे मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया गया लेफ्ट आर्म में, तो राइट आर्म में जा करके वो बढ़ गया, 100 न्यूटन का फोर्स वहाँ पे बन गया, 10 टाइम्स हो गया, यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टाइम्स लिए हुए हैं तो। तो इस तरीका से लेफ्ट आर्म में जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो राइट आर्म में जा करके मल्टीप्लाई हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो इस कार को कोई भी व्हीकल है उसको उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट। लाउड स्पीकर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कोई भी लाउड स्पीकर है उसमें मैग्नेट रहता है, उसमें क्वाइल्स रहते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये कहता है कि कहीं पर भी जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पर एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा।
यानी कहने का मतलब ये रहा कि एक किसी क्वाइल को मैग्नेट की तरफ घुमा दीजिए या मैग्नेट को क्वाइल की तरफ घुमा दीजिए, उस क्वाइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा यानी करंट फ्लो होने लगेगा। तो लाउड स्पीकर करता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में यानी साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है जो हम सुनते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, राइट ऑप्शन ए होगा। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, डॉपलर इफेक्ट जब किसी जैसे साउंड के केस में हम देखे थे, एक लिसनर है और एक सोर्स ऑफ साउंड है, इनके बीच में जब रिलेटिव मोशन आ जाता है, ये एक दूसरे से दूर जाने लगे या एक दूसरे की तरफ आने लगे या कोई एक रेस्ट में हो दूसरा मूव करे टुवार्ड्स या अवे, यानी रिलेटिव मोशन आ जाए इन दोनों के बीच में, तो सोर्स जो वेव जनरेट कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे कुछ अलग फ्रीक्वेंसी ये लिसनर सुनेगा। इसी तरीका से लाइट के केस में भी डॉपलर इफेक्ट देखने को नज़र आता है, और डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हुए किसी भी सैटेलाइट को ट्रैक किया जा सकता है। तो ये है डॉपलर इफेक्ट, मतलब जब सोर्स ऑफ वेव और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है तो ऑब्जर्वर ट्रू फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग फ्रीक्वेंसी देखता है या फिर सुनता है, इसी को कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड सडन इंक्रीज कर जाता है और इसी को रिजोनेंस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सैनिक का परेड जा रहा है, तो सैनिक का परेड करते हुए जा रहे हैं, एक साथ पैर नीचे एक साथ पैर ऊपर कर रहे हैं, तो उनका को एक जो पैर जो है एक साथ नीचे आ रहा है एक साथ ऊपर आ रहा है, तो उससे जो वेव बन रहा है उसकी एक फ्रिक्वेंसी है, उसका एक वेवलेंथ है, और जो ओवर ब्रिज बना हुआ है या कोई भी रोड है, तो उसका एक अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। तो एक तो उसका जो ओवर ब्रिज है अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और ऊपर से सैनिकों का परेड जो जा रहा है वो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी से एक ऑसिलेट कर रहा है। तो जब अप्लाइड फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड सडन बढ़ जाएगा, यानी ओवर ब्रिज जो है वो बहुत ही लार्ज एम्पलीट्यूड से ऊपर नीचे करना शुरू हो जाएगा। इस कारण से ओवर ब्रिज टूट भी सकता है, US में ऐसी एक घटना घट चुकी है, तो इसको रिजोनेंस कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी ओवर ब्रिज से किसी सैनिक के परेड को नहीं गुजारा जाना चाहिए। और प्रकाश से विद्युत प्रभाव क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब सूटेबल हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट किसी मेटालिक सरफेस पे पड़ती है तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इसी फिनोमिनन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बरसात के दिन पानी पर छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती है, इसकी वजह क्या है। तो देखिए इसको कहा जाता है इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स, जो ऑयल का जो थिन फिल्म बना हुआ है उससे इंटरफेरेंस। मान लीजिए कि ये ऑयल का थिन फिल्म है, तो एक तो ऊपर कुछ थिकनेस तो इसमें है ही, तो जब लाइट वेव जब आती है तो एक तो ऊपर से रिफ्लेक्शन हो गया और फिर नीचे वाले सरफेस से भी एक रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में इंटरफेरेंस होता है, या फिर ट्रांसमिटेड वेव के बीच में भी इंटरफेरेंस होता है, और इसी इंटरफेरेंस की वजह से यानी इस थिन फिल्म के ऊपर वाले लेयर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो, और नीचे वाले लेयर से जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसी की वजह से तेल का जो लेयर है फिल्म है वो चमकता है, अलग अलग कलर्स में वो चमकता है। तो इसका कारण क्या है, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। डिस्पर्सन क्या होता है, जब किसी प्रिज्म से लाइट को गुजारा जाता है तो 7 कंपोनेंट्स कलर्स में विवजियोर में ये बट जाता है, इसी को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और डिफ्रेक्शन क्या कहलाता है, डिफ्रेक्शन जैसे मान लीजिए कि एक रूम है और इस कमरे के अंदर इधर बिल्कुल अंधेरा है और इधर लाइट का सोर्स रखा गया है, तो जब यहाँ से एक लाइट वेव आएगी
तो इसको सीधे इधर चले जाना चाहिए, यानी लाइट यहाँ पहुँचना चाहिए, इसके राइट वाले पोर्शन पे पहुँचना चाहिए, अगल बगल में लाइट नहीं जाना चाहिए। तो देखा जाता है कि अगल बगल में भी लाइट, यानी लाइट यहाँ पे जो शार्प कॉर्नर वहाँ पे बेंड कर गई, शार्प कॉर्नर पे आकर के बेंड कर गई, यानी कुछ दाएं और बाएं भी लाइट पहुँच गई, ऊपर नीचे भी पहुँच गई। इसी को कहा जाता है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, यानी शार्प कॉर्नर पे जो लाइट बेंड कर जाती है उसी को कहा जाता है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। और छोटे जूनियर क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है कि लाइट जो है बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, यहाँ पे आकर के वो सीधी रेखा वाला कंसेप्ट फेल हो जाता है, यहाँ पे टेढ़ी रेखा में भी गमन कर रही है, बेंडिंग भी हो रहा है यहाँ पे। और पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे लाइट जो वेव है, इसमें लाइट वेव है क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोजिशन है। तो जब किसी पोलरीमीटर से पास करवाया जाता है लाइट वेव को, तो वो किसी एक डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड का, उसको तो वो गुजरने देता है, अपने से होकर के पास होने देता है, बाकी अदर रेंडम डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड का, उसको ब्लॉक कर देता है। इसी को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। और इसका यूज किया जाता है जो 3D ग्लासेस जो रहते हैं, 3D जो मूवी दिखाई जाती है सिनेमा हॉल में, उसमें इसका यूज होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका सबसे अधिक है? तो देखिए, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मान लेते हैं कि ये इसका आउटर ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से, उसके सेल से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। यानी उस एटम को आयोनाइज करने में जितनी एनर्जी खर्च होती है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को हम देखें तो लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में जो मेटल्स हैं, जिनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंक्सियम, ये वाला जो ग्रुप है लेफ्ट वाला, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। यानी जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होते हैं और कम ही एनर्जी पा करके आसानी से निकल जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, जिसमें लिथियम भी आता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट की होगी, किस एटम की होगी, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल होगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-7। तो फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन हैं और इसके ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका साइज जो है फ्लोरीन का वो काफ़ी कम है, और चूंकि 9 प्रोटॉन इसके अंदर है, यानी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज़्यादा है, और साइज कम होने की वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होने की वजह से इसके फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन का की आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत अम्ल की विशेषता है, तो मजबूत अम्ल, जैसे मान लेते हैं कि हम HCl ले लेते हैं, HCl, तो HCl को जो ही हम डिजोल्व करेंगे तो ये टूट जाएगा H+ में, यानी H+ आयन से ये दे देगा Cl-, तो एसिड उसको कहा जाता है जो सॉल्यूशन के फेज में H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। तो जो आसानी से टूट करके H+ आयन प्रोवाइड करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और हम जानते हैं कि pH जो स्केल है न्यूट्रल का 7 होता है, 7 से कम वाला एसिड होता है और 7 से ज़्यादा वाला बेस होता है। तो ये कह रहा है कि उच्च pH तो एसिड का नहीं होगा,
ऐसे उच्च पीएच नहीं होना चाहिए। मजबूत अम्ल वह होगा जो आसानी से एच प्लस आयन देगा। जब आसानी से एच प्लस आयन देगा तो उसका पीएच का वैल्यू कम होगा, यानी 0 और 7 के बीच में यदि पीएच को हम कंसीडर करें तो 7 के आसपास में जिसका पीएच होगा वो वीक एसिड होगा, और जो 0 के आसपास में जिसका पीएच होगा यानी 7 से बहुत ही कम, ये बिल्कुल लेफ्ट में आप चले जाइए, तो जिसका पीएच होगा उसका वो जो होगा वो बहुत ही मजबूत अम्ल होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो उच्च पीएच तो नहीं होगा, उच्च पीएच जिसका होगा वो वीक एसिड होगा, ये गलत है। कम विद्युत चालकता होगी, नहीं, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो सॉल्यूशन के फेज में आसानी से आयंस में टूट जाएगा, एच प्लस आयन प्रोवाइड कर देगा, जैसे सी एल यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ हूँ, एच प्लस आयन और सी एल माइनस आयन में, और यहीं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे, तो कम विद्युत चालकता नहीं होगी, उसकी विद्युत चालकता ज़्यादा होगी, ये भी गलत है। पानी में आंशिक आयनीकरण होगा, आंशिक कहाँ से, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा, जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो कम्प्लीट आयनाइज्ड होगा, आंशिक आयनीकरण नहीं होगा, ये गलत है। मजबूत संक्षारक गुण होगा, बिल्कुल कोरोसिव पावर इसका, ये कोरोजन ज़्यादा करेगा, कोरोसिव पावर इसका मजबूत होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भौतिक परिवर्तनों में हमेशा रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन भौतिक, जैसे मान लीजिए कि वाटर है उसको हमने फ्रिज में रख दिया, आइस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है, तो इसके रासायनिक परिवर्तन में कहाँ चेंज हो गया, अभी भी H2O ही है, वाटर है तो भी H2O है, आइस है तो भी H2O है, और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो भी H2O ही है, रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये गलत है। रासायनिक परिवर्तनों को उल्टा किया जा सकता है जबकि भौतिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है, नहीं, रासायनिक परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है, अपरिवर्तनीय होते हैं रासायनिक, इरिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल होते हैं लेकिन फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, जैसे आइस है, आइस को हीट सप्लाई कर दीजिए फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ से हीट निकाल लीजिए फिर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये रिवर्सिबल है। तो रासायनिक परिवर्तनों को उल्टा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, जबकि भौतिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय, भौतिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय नहीं परिवर्तनीय हैं, रिवर्सिबल है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है, नहीं, केमिकल चेंज जहाँ भी होता है वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, नए बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ पे नया सब्सटेंस बन जाता है, लेकिन फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो सी स्टेटमेंट भी गलत है। भौतिक परिवर्तन केवल अस्थायी होते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, भौतिक परिवर्तन केवल अस्थायी होते हैं, भौतिक परिवर्तन चूँकि रिवर्सिबल होता है इस कारण से ये स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्टेबल होता है, रासायनिक परिवर्तन है नए केमिकल बॉन्ड बने, नया सब्सटेंस बन गया, वो स्टेबल है, वो इरिवर्सिबल है, स्टेबल है, तो डी ऑप्शन जो है सूटेबल ऑप्शन है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। यूवी विकिरण से बचाने के लिए सनस्क्रीन लोशन में आमतौर पर किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाने से जब यूवी रेडिएशन उस पर फॉल करता है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है या फिर उसको स्केटर कर देता है, तो रिफ्लेक्शन और स्केटरिंग की से वो बचा लेता है, यूवी किरणों से बचा लेता है, तो जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। कौन सा यौगिक आमतौर पर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स में अग्निरोधी यानी फायर रिटार्डेंट्स के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो है पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, स्ट्रॉन्शियम दिया हुआ है Sr2+, इसका मास नंबर 90 दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर 38 दिया हुआ है, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसमें यदि 2+ नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन कितने होते यहाँ पे, 38 होते, अब दो निकल चुके हैं माइनस करेंगे तो 36 हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 36, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, 38, इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 36, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो
तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है मास नंबर ए माइनस एटॉमिक नंबर जेड यानी प्रोटॉन्स। तो ए हो गया 90 और इसमें से 38 को घटा लेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 और ये बचेगा 8 में से 3 गया 5 52 यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 52 यानी प्रोटॉन हो गए 38 इलेक्ट्रॉन हो गए 36 एंड न्यूट्रॉन हो गए 52। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट फर्स्ट है परमाणु क्रमांक 36 है, परमाणु क्रमांक 36 नहीं है 38 है, तो फर्स्ट ए वाला तो फर्स्ट तो गलत है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 38 है नहीं, दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 36 नहीं है 38 नहीं है 36 है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 36 है क्योंकि ये स्ट्रॉन्शियम जो है दो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे चुका है, इस पर 2+ है तो इस कारण से 36 है। न्यूट्रॉनों की संख्या 52 है बिल्कुल, थर्ड तो सही है। प्रोटॉनों की संख्या 38 है बिल्कुल, ये सही है। तो थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो 3 और 4 हो जाएगा सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो 3 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। स्पेक्ट्रा के निम्नलिखित भागों पर विचार करें, दृश्य प्रकाश यानी विजिबल जो कलर होता है विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड माइक्रोवेव। निम्नलिखित में से कौन सा वह सही क्रम है जिसमें तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यदि हम देखें तो जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रहा है और वेवलेंथ बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है घट रही है। राइट से जब लेफ्ट जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज़्यादा घूम रहा है, यहाँ पे ज़्यादा जल्दी जल्दी है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी को न्यू कहिए या एफ कहिए, राइट से लेफ्ट की उड़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए विजिबल कलर से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कम वेवलेंथ है यूवी का, उससे कम है एक्सरे का, उससे कम है गामा रेज का, यानी सबसे कम जो वेवलेंथ है गामा रेज का है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और विजिबल कलर से ज़्यादा वेवलेंथ है इंफ्रारेड का, उससे ज़्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव का। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यदि ये विजिबल है तो लेफ्ट में इसका यूवी हो जाएगा यूवी और राइट में इंफ्रारेड आईआर हो जाएगा विजिबल कलर से। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे कम वेवलेंथ जो है यूवी का है, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज का, यानी तीन जो है सबसे कम होगा। तो ए और बी तो गलत हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब बचा सी और डी, सी और डी में से तो सबसे कम जो होगा अल्ट्रावायलेट का होगा, उसके बाद होगा दृश्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश का यानी वन होगा, तीन के बाद में वन होगा, उसके बाद में आपको इंफ्रारेड होगा देन माइक्रोवेव होगा। विजिबल तो यूवी सबसे कम, उसके बाद में विजिबल देन इंफ्रारेड देन माइक्रोवेव आएगा, माइक्रोवेव आएगा। तो यूवी विजिबल आईआर एंड माइक्रोवेव, तो 3, 1, 2, 4 ये सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। पदार्थों की विद्युत चालकता के लिए कौन सा उप परमाणविक कण जिम्मेदार है, यानी कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो विद्युत चालकता के लिए, विद्युत चालकता कैसे आती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कोई भी कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, यानी उसके रूम टेम्परेचर पर भी यानी कम टेम्परेचर है तो भी उसके इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और वहीं मूव करते हैं, मूव करके एक जगह से फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसको इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहा जाता है। तो विद्युत चालकता के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है वो तो निकलेगा नहीं, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है वो निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है जिसको इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। वे कौन से तत्व हैं जो कमरे के तापमान और मानक दबाव पर तरल होते हैं यानी लिक्विड फेज में होते हैं। तो एक तो मरकरी हो गया, यानी मेटल में मरकरी हो गया लिक्विड फेज में रहता है, तो दो तो होगा यहाँ पे। इसके अलावा ओनली एक नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में रहता है, वो है ब्रोमीन। तो इसमें से ब्रोमीन जो हो जाएगा ये भी है लिक्विड फेज में, तो मरकरी एंड ब्रोमीन यानी 2 और 4 हो जाएगा, केवल 2 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। इन ईंधनों का उनके ऊष्मीय मान के अनुसार बढ़ते क्रम में सही क्रम है,
तो इसमें से सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है, यानी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है हाइड्रोजन गैस का, 150,000 किलो जूल पर केजी होता है इसका, 1.5 लाख किलो जूल पर केजी इसका ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और किरोसिन ऑयल का कितना होता है? किरोसिन ऑयल का होता है 45,000 किलो जूल पर केजी, और इसका 1.5 लाख 1.5 लाख केजे किलो जूल पर केजी होता है। और लकड़ी का कितना होता है? लकड़ी का 17,000 से 22,000 के बीच में होता है, 17K से 22K तक होता है किलो जूल पर केजी। और चारकोल का होता है, कोल का ये 25,000 से 29,000 के आसपास में होता है चारकोल का, तो ये 25,000 से लेकर के 33,000 के बीच में होता है, 33,000 किलो जूल पर केजी होता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा इन ईंधनों का उनके ऊष्मीय मान के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना, तो सबसे लास्ट में आएगा कौन सा आएगा? सबसे लास्ट में हाइड्रोजन गैस आएगा, तो इस कारण से सी और डी ख़त्म हो जाएगा, सी और डी। तो सबसे लास्ट में आएगा 1 यानी हाइड्रोजन गैस, और उससे कम में आएगा 2 यानी 1, 2, सबसे लास्ट में 1 आएगा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का, और उससे कम जो होगा वो किरोसिन मिट्टी के तेल का, किरोसिन ऑयल का, तो 2 हो जाएगा। यानी सबसे कम जो होगा वो लकड़ी का होगा, उससे ज़्यादा चारकोल का होगा, उससे ज़्यादा मिट्टी के तेल का होगा, और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होगा। राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, 4, 3, 2, 1। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के फुल सिलेबस के फर्स्ट टेस्ट के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।